हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हो आप? मेरा उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम जॉय, आप देखते हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम जेन्युइन इनकम एट होम। तो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो होगा जीनेट के बारे में। जीनेट का पैसा बैंक में आप कैसे विड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है? उसके पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जीनेट का मिनिमम विड्रॉ होता है 500, ओके, मिनिमम 500, वो भी 10% यहाँ पे TDS कटेगा। आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है जी, यहाँ पे मंथली या वीकली पेमेंट नहीं होगा। तो आपका अगर डेली आपका 500 से ऊपर इनकम होगा तो आप डेली रिडीम कर सकते हो, ठीक है? वो भी यहाँ पे रिचार्ज का भी ऑप्शन भी है, रिचार्ज भी कर सकते हो, बट मेरा जो फोकस है बैंक विड्रो कैसे करना है। तो चलो फ्रेंड, ये जो देखते हो जो मेनू ऑप्शन, यहाँ पे पहले आपका क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे पहले लॉगिन करोगे तो ऐसे इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद आपका मेनू ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है? वहाँ पे मुझे पहले देखता हूँ मेरा डैशबोर्ड में कितना बैलेंस है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोमो बैलेंस है 543, ठीक है? तो इसको मैं विड्रो करूँगा। और भी एक चीज़ है, इसको प्रोमो बैलेंस है, और भी बहुत कुछ वॉलेट है, बट ये प्रोमो बैलेंस में मेरा 500 ओवर हो गया था, तो इसको मैं आज लाइव विड्रो करूँगी, ठीक है? तो फिर से मुझे मेन ऑप्शन में जाना होगा एंड ये जो ऑप्शन है विड्रो का, ठीक है ना, विड्रो का जो ऑप्शन है यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है देख सकते हो विड्रो रिक्वेस्ट प्रोमो, ठीक है? क्योंकि मेरा प्रोमो वॉलेट में 500 से ऊपर है, तो मुझे विड्रो रिक्वेस्ट प्रोमो करना होगा, ठीक है? देख सकते हो विड्रो रिक्वेस्ट प्रोमो का पेज ओपन हो गया था। यहाँ पे देखो मेरा जो बैलेंस है 543, तो यहाँ पे मुझे 3 रुपीज़ छोड़ दूंगा, 540 को मैं रिडीम करूँगा, ठीक है? तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे मुझे 540 देना पड़ेगा, ठीक है? एंड उसके बाद जो ऑप्शन है सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड, यहाँ पे ओनली एक ही ऑप्शन है आपके सामने, वो भी बैंक पेमेंट। तो बैंक पेमेंट को मैं चूज़ कर लिया था। जब बैंक पेमेंट ने चूज़ किया था तो मेरा बैंक का डिटेल्स यहाँ पे आ गया था, ठीक है? आप जब कभी पहले बार जब इसको विड्रॉ करोगे तो आपका बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। वहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका बैंक डिटेल्स अपडेट का, ठीक है? बैंक डिटेल्स अपडेट का, तो बैंक डिटेल्स अपडेट में क्लिक करोगे, वहाँ पे आपका बैंक का जो IFSC कोड ठीक से देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सर्च चेंज होकर आपका बैंक का नेम, बैंक का ब्रांच का नेम सब कुछ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड? तो मेरा जो बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ गया था, मेरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल का चीज़ है, आएगा तो बैंक डिटेल, उसके बाद मुझे इसको सेव करना होगा, ठीक है? देख लीजिए 540 दिया था अमाउंट में, पेमेंट टाइप दिया था बैंक पेमेंट, उसके बाद ऑटोमेटिक आ गया था मेरा बैंक का डिटेल्स। इस डेटा को मुझे सेव करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे जो पॉपअप आया था विड्रो सक्सेसफुल कंप्लीटेड, यहाँ पे मेरा बचा है 3 रुपीज़, ठीक है ना? तो इसका स्टेटस मैं कहाँ पे देखूँगा, तो फिर से मुझे 3 लाइन में जाना होगा, ठीक है? और इसके बाद आएगा मुझे ये जो विड्रो ऑप्शन, यहाँ पे आना होगा एंड नीचे देखो जो ऑप्शन है व्यू विड्रो रिक्वेस्ट प्रोमो, क्योंकि मैं प्रोमो वेट का रिक्वेस्ट किया था, तो उसको मुझे व्यू करना होगा, ठीक है? देख सकते हो किसका टाइप सिलेक्ट करना होगा, मैं रिक्वेस्ट किया था तो रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो रिक्वेस्ट, ठीक है? क्योंकि मैं पे आउट को रिक्वेस्ट किया था, तो रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद इसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? सर्च किया था, देख लीजिए यहाँ पे जो स्टेटस आया था 544 का, जो अभी रिक्वेस्ट किया था, ठीक है ना? और लास्ट जो पे आउट किया था उसको शो करता हो, देखो 500 शो किया जो एक्सेप्ट हो गया था,
ठीक है, जो मुझे बैंक में मिल गया था 450, ठीक है, 4-10% डिडक्शन होकर मुझे वो पैसा आ गया था। और ये जो रिक्वेस्ट किया था 540, ये मिनिमम 3 दिन से मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपका बैंक में आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा टॉपिक है, बहुत सिंपल, आपका टीम को शेयर कर दो जिन्होंने न्यू न्यू ज्वाइन किया था, ठीक है ना। और साथ में मेरा टीम का कुछ रिक्वेस्ट भी है या न्यू मेंबर के लिए, जो जीनेट पे अभी ज्वाइन नहीं किया था, उसका क्वेश्चन है कि यहाँ पे एडवर्टाइज कैसे आता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे जो सेल्फ अर्निंग होता है, एडवर्टाइज कैसे मिलता है। तो मुझे 3 लाइन में जाना होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का अंदर और भी एक ऑप्शन है एड व्यू, तो मुझे एड व्यू में क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो 10 एडवर्टाइज था उसके लिए अंदर मैं अब सुबह में 8 टास्क को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना, 10 का अंदर 8 एडवर्टाइज ऑलरेडी वहाँ कंप्लीट हो गया था, अभी मेरा 2 साइट बाकी है। तो ये आपके सामने मैं लाइव टास्क कंप्लीट करूँगा। तो पहली बात है, ये जीनेट एक टूरिज्म कंपनी है इंडिया के हर जगह में, जहाँ पे 2-star, 3-star, 4-star या 5-star जितना सारा होटल्स है उसको प्रमोट करता है जीनेट, ठीक है, यहाँ पे आदर्श कोई एडवर्टाइज नहीं आता है। तो देख सकते हो सीरियल नंबर 1 नंबर में जो वेबसाइट है जिसका लिंक है, इसको मुझे व्यू करना होगा। यहाँ पे जो देखते हो व्यू एट, ठीक है ना, व्यू एट, इस पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे एक टाइमर चलते है 10 सेकेंड का, या फिर हर वीडियोस का टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं, इसे लोड नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, 10 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से तो नोटिफिकेशन आया था, देखो क्लिक ओके टू कंटिन्यू, 10 सेकेंड हो गया था, तो मुझे ओके करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड साथ साथ फिर से एक मैसेज आया था, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वेबसाइट, यू हैव अर्न रिस 5। ये जो 10 सेकेंड का एड्स बट आई सी, इसलिए आपका 5 रुपीज मिल गया था, ठीक है, तो इसको ओके कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट जो एड है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो वेबसाइट है उसको मैं व्यू करूँगा। यहाँ पे भी ऊपर में देखो टाइमर चालू हो गया था, हाँ यहाँ पे देखो एडवर्टाइज आ गया था, ट्रिप एडवर्टाइज, ठीक है, इस तरह से देखो ये गैंगटॉक का एक होटल का प्रमोट करते हैं, गैंगटॉक होटल विथ बालकोनीज, ठीक है, देख सकते हो ये जो फिर से 10 सेकेंड पूरा हो गया था, तो यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। एंड फिर से मैसेज आएगा जे थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वेबसाइट, यू हैव अर्नड 5, ठीक है, तो इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरा अभी 10 एड देखा था, यहाँ पे मेरा 50 रुपीज़ शो होगा, ठीक है, 1 टास्क के लिए 5 रुपीज़, तो 10 टास्क के लिए 50 रुपीज़, वो कहाँ पे शो होगा, तो मुझे फिर से जाना होगा मेनू ऑप्शन में, उसके बाद जाना होगा डैशबोर्ड में, उसके बाद व्यू डैशबोर्ड डाटा, देख सकते हो यहाँ पे 2G जो प्रोमो इनकम 50 रुपीज़, ठीक है। तो हो गया आज का टॉपिक, तो यहाँ पे मेन फोकस मेरा कैसे बैंक में विड्रॉ करोगी, ठीक है, उसका वीडियो मैं बना दिया था, तो आपका टीम में जा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे कैसे आप मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। और जो जितने सारे न्यू मेंबर्स है जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया था, जो जीनेट के नाम सुना था, उसका प्लान अच्छा भी लगा था पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, वो भी जीनेट वर्ल्ड में ज्वाइन भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।